एमपी को लेकर मुंबई सट्टा बाजार का दावा चौंकाने वाला है। मुंबई के सट्टा बाजार के अनुमान मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर पैदा करने वाले हैं। वहीं बीजेपी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चारों चरण संपन्न हो चुके हैं। वहीं शनिवार तक देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के फाइनल फेज की वोटिंग हो जाएगी। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद 4 जून को फाइनल काउंटिंग के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले कई तरह के चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। मुंबई के सट्टा बाजार के अनुमान मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर पैदा करने वाले हैं, वहीं बीजेपी को इससे बड़ा झटका लग सकता है। मुंबई सट्टा बाजार के हिसाब से इंडिया गठबंधन को देश भर में 345 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 195 के आसपास सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन इस सट्टा बाजार के दावे एमपी कांग्रेस के लिए राहत भरे साबित हो सकते हैं। मुंबई सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें दे रहा है। दुबई से संचालित होने वाले एक सट्टा बाजार के मुताबिक देश भर में एनडीए को 300 के आसपास सीटें आ सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 200 के आसपास सीटें आ सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटें दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।